नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या फिर परचेस करने वाले हो, तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करोगे, आपको इन 15 सेटिंग्स को तुरंत चेंज करना है आपके फोन में, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने फोन को यूज कर सको। तो देखते हैं कौन सी है 15 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी है आपके फोन में। दोस्तों, सबसे पहले जो ब्लॉटवेयर से आपके फोन में आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। इनमें से कई सारे एप्स ऐसे होंगे जो आप यूज नहीं करोगे या नहीं करना चाहोगे, तो आप उन्हें एक साथ अनइंस्टॉल कर सकते हो। आपको लॉन्ग टैप करना है सिलेक्ट। तो मान लो मुझे इन एप्स को यूज नहीं करना है, तो मैं इन्हें करूंगा सिलेक्ट और फिर ऊपर में आपको मिलेगा अनइंस्टॉल का ऑप्शन, आपको उस पर टैप करना है और फिर ओके करते रहना है। सभी एप्स जो होंगे एक साथ डिलीट हो जाएंगे। दोस्तों, आपके फोन में नीचे में एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये है सैमसंग पे का शॉर्टकट। अगर आप इस पे ऐसे स्वाइप करोगे तो सैमसंग पे ओपन हो जाएगा। अगर आप अभी तक सैमसंग पे का यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको इसे यूज करने की जरूरत नहीं। इससे क्या होता है, मान लो आपको जेस्चर का यूज करना है, तो ऐसे में ये जो होगा ये आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। जब भी आपको रिसेंट एप्स में जाना होगा तो ये बीच में आ जाएगा, इसीलिए आपको इसे मैन्युअली रिमूव करना है। तो आपको जाना है सैमसंग पे ऐप में, सैमसंग के फोल्डर में मिलेगा आपको सैमसंग पे, आपको इसे ओपन करना है, कंटिन्यू करना है। आपको फिर 3 बार पे टैप करना है, गियर के आइकन पे टैप करना है, आपका जो पासवर्ड है उसे एंटर करना है यहां पे, फिर आपको करना है यूज फिंगरप्रिंट, वेरीफाई कीजिए फिंगरप्रिंट को, फिर आपको अपना एक पिन एंटर करना है सैमसंग पे का, तो आप कोई भी पिन एंटर कर सकते हो। फिर करिए लेटर, फिर आपको 3 बार पे टैप करना है, गियर के आइकन पे टैप करना है और जो है ये ऑप्शन है क्विक एक्सेस एंड डिफॉल्ट कार्ड, इस पे टैप कीजिए और लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन सभी को यहां से आपको ऑफ करना है, ताकि ये जो शॉर्टकट है सैमसंग पे का ये यहां से रिमूव हो जाए। आप देख सकते हो अब ये शॉर्टकट यहां से रिमूव हो चुका है और ये दोबारा यहां पे नहीं आएगा। दोस्तों, आपके फोन में कई सारे मिलते हैं क्विक टॉगल्स जो काफी काम के हैं और आपको इन्हें ऐड करना है मेन स्क्रीन में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको प्लस के साइन पर टैप करना है। यहां से जो काम के टॉगल्स है वो है माइक्रोफोन एक्सेस, इसके अलावा NFC, इसके अलावा एक्स्ट्रा डिम, इसके अलावा कॉल एंड टेक्स्ट एंड अदर डिवाइसेस, सिक्योर फोल्डर, डॉल्बी एटमोस। तो ये है काम के टॉगल्स। जैसे कि बात करेंगे NFC यहां पे पहले से ऑन है, आपको इसे ऑफ करना है। अगर इसे ऑन ही रखोगे तो बैटरी ज्यादा होगी। और ये है माइक एक्सेस, आप जब चाहे तब माइक को ऑफ कर सकते हो अपने फोन में, ताकि कोई भी ऐप जो है माइक का यूज ना कर पाए। एक्स्ट्रा डिम के जरिए आप अपनी ब्राइटनेस को जितनी कम होती है उससे भी और ज्यादा कम कर सकते हो, नाइट टाइम में ये काफी काम आएगा। फिर है डॉल्बी एटमोस, जब भी आप हेडफोन का यूज करोगे तब आप डॉल्बी एटमोस को ऑन कर सकते हो। और है सिक्योर फोल्डर, तो आप अपने जो प्राइवेट कंटेंट है या प्राइवेट एप्स है उन्हें अलग फोल्डर में रख सकते हो, उन्हें यूज कर सकते हो अलग तरीके से सिक्योर फोल्डर में। और आप अगर वॉच या फिर टैबलेट यूज करते हो सैमसंग का, तो इसे आप ऑन करोगे तो आपके जो कॉल्स होंगे आपके टैबलेट या फिर वॉच पे आएंगे। दोस्तों, आप अपने फोन में डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का जो फीचर है उसे इनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, मोशन एंड जेस्चर में, और ये जो ऑप्शन है दोनों, डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, दोनों को आपको ऑन करना है। इसके बाद आप अपने फोन में डबल टैप टू ऑफ और डबल टैप टू ऑन का फीचर यूज कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको अपने फोन में ब्राइटनेस को कंट्रोल करना हुआ, तो आपको करने पड़ेंगे 2 बार स्वाइप। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है पहला स्वाइप, यहां पे ब्राइटनेस का कंट्रोल है ही नहीं। लेकिन जब आप दूसरी बार स्वाइप करोगे तो आपको मिलेगा ब्राइटनेस का कंट्रोल नीचे में, और आप यहां से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही स्वाइप में ब्राइटनेस का स्लाइडर ऊपर में चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट पे टैप करना है, क्विक पैनल लेआउट पे टैप करना है, और ये जो है ब्राइटनेस कंट्रोल आपको इस पे टैप करके करना है शो ऑलवेज, और करिए डन। इसके बाद आप देखोगे, अब अगर आप एक स्वाइप भी करोगे फिर भी आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाओगे इस तरीके से। तो आपको अब 2 बार स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, बस 1 बार स्वाइप कीजिए और आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो यहीं से। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जब भी आप अपने फोन को अनलॉक करते हो पिन या पासवर्ड के साथ, तो जब तक आप ओके पे टैप नहीं करोगे आपका फोन
अनलॉक नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैंने पिन को एंटर कर दिया है, ठीक है, आप देख पा रहे हो पिन को एंटर कर दिया, फिर भी मेरा फोन अनलॉक नहीं हुआ है, मुझे ओके पे टैप करना पड़ेगा तब जाकर ही मेरा फोन अनलॉक होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो बिना ओके पे टैप किए ही आपका फोन अनलॉक हो जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में स्क्रीन लॉक टाइप पे टैप कीजिए, अपना पिन एंटर कीजिए, डन कीजिए, और ये जो पिन है उस पर टैप कीजिए वापस, और यहां पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन कंफर्म पिन विदाउट टैपिंग ओके। आपको इस सर्कल पे टैप करना है, टिक करना है, और अपना जो पासवर्ड है या पिन है वही सेम एंटर करना है वापस, कंटिन्यू कीजिए, वापस वही एंटर कीजिए और ओके कीजिए। इसके बाद अब आपको ओके पे टैप नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो जब भी मैं अपने पिन को एंटर करूंगा तो ओके पे बिना टैप किए ही मेरा फोन अनलॉक हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है, मुझे ओके पे टैप नहीं करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप बिना ओके पे टैप किए अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों आपने अगर अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस अनलॉक से अनलॉक करते हो तो आप देख पा रहे हो फेस से ये अनलॉक हो चुका है, लेकिन फोन पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुआ है, मुझे करना पड़ेगा स्वाइप अप तब जाके मेरा फोन अनलॉक होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो आपका फोन बिना स्वाइप किए ही फेस से अनलॉक हो जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, फेस रिकॉग्निशन में, और ये जो ऑप्शन है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन अंटिल स्वाइप, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद आप देखोगे अब मुझे स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा, फोन जो होगा डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा फेस अनलॉक से, आप देख सकते हो। दोस्तों सैमसंग के फोन में अगर कोई भी कॉल आता है, आपने अगर उस कॉन्टैक्ट को सेव भी किया होगा फिर भी उसका नंबर शो करेगा कॉलिंग स्क्रीन पे, नाम तो शो करेगा लेकिन उसके नीचे नंबर भी शो करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो जब भी कोई कॉल आए कॉन्टैक्ट से तो केवल नाम शो करे, नंबर शो ना करे, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है फोन ऐप में, थ्री डॉट पे टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में, और नीचे मिलेगा आपको ऑप्शन अदर कॉल सेटिंग्स का, इसे ओपन कीजिए, और ये जो ऑप्शन है शो कॉन्टैक्ट्स नंबर्स इन कॉल्स, इसे आपको ऑफ करना है। इसके बाद अगर आपको कोई भी कॉल आता है आपके कॉन्टैक्ट से तो उसका केवल नाम शो करेगा, नंबर शो नहीं करेगा। हालांकि जो अनोन नंबर से आपने जिन्हें सेव नहीं किया है उनका नंबर शो करेगा। दोस्तों मान लो आप किसी ऐप को यूज कर रहे हो या फिर कोई गेमिंग कर रहे हो, और ऐसे में अगर आपको कॉल आता है तो पूरे स्क्रीन में शो करेगा, उससे आपको डिस्टर्बेंस होगा। अगर आप चाहते हो जब भी आप कोई ऐप यूज कर रहे हो तो जो कॉलिंग स्क्रीन है वो छोटी दिखाई दे यहाँ पे ऊपर में मिनी पॉपअप, तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हो ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो कॉलिंग आने के बाद भी। तो आपको जाना है फोन ऐप में, थ्री डॉट पे टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में, और आपको मिलेगा ऑप्शन कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग एप्स, आपको इस पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको चूज करना है मिनी पॉपअप। इसके बाद ये जो ऑप्शन है इसे भी आपको ऑन करना है। तो आप देख पा रहे हो जब भी आपको कॉल आएगा मिनी पॉपअप में शो करेगा छोटे स्क्रीन में, और आप उस पर टैप करके उस कॉल को अटेंड कर सकते हो, और उस कॉल को अटेंड करने के बाद भी जो कॉलिंग स्क्रीन है मिनी पॉपअप में शो करेगी, फुल स्क्रीन में कन्वर्ट नहीं होगी, ताकि आप कॉल का भी यूज कर सको और ऐप का भी यूज कर सको। दोस्तों आपको लॉक स्क्रीन पे मिलते हैं दो शॉर्टकट्स, आप देख पा रहे हो इन पे ऐसे स्वाइप करके आप इन्हें ओपन कर सकते हो, लेकिन यहां पे टॉर्च का ऑप्शन नहीं है। तो मान लो आपको अगर क्विकली टॉर्च को ओपन करना है अपने फोन को अनलॉक किए बिना, तो आप टॉर्च को ओपन कर सकते हो। इसलिए हम क्या करेंगे, टॉर्च को यहां पे प्लेस करेंगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, शॉर्टकट्स में, और जो लेफ्ट शॉर्टकट है उस पर टैप कीजिए, और यहां पे कीजिए टॉर्च को इनेबल। इसके बाद आप देखोगे अब आपको मिलेगा टॉर्च का शॉर्टकट लेफ्ट साइड में, और आपको स्वाइप करके टॉर्च को ऑन करना है, ऑफ करना है। इस तरीके से आप क्विकली टॉर्च को ऑन कर सकते हो बिना फोन को अनलॉक किए। दोस्तों सैमसंग के फोन में आपको मिलता है एज पैनल, ये रहा, और आप इसमें से कई सारे एप्स को और शॉर्टकट्स को एक्सेस कर सकते हो एज पैनल से ही। लेकिन ये जो एज पैनल है ऐसे शो करेगा आपको, और कई सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे शो कर रहा है, इसलिए आप इसे गायब कर सकते हो। गायब करने के बाद भी आप उसे यूज कर पाओगे। तो ये कैसे करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, एज पैनल्स में, और हैंडल पे टैप कीजिए, ट्रांसपेरेंसी हाई कर दीजिए मैक्सिमम, और जो विड्थ है इसे रखिए मीडियम पे। इसके बाद आपको इस हैंडल को रखना है वॉल्यूम बटन के सामने या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर के सामने, तो मैं रखूंगा फिंगरप्रिंट सेंसर के सामने, ठीक है,
ताकि आपको याद रहे कि आपका हैंडल कहां पे है एच पैनल का। इसके बाद जो भी काम के पैनल है उसे आप कर लीजिए इनेबल। स्मार्ट सिलेक्ट और टास्क, ये दोनों काफी काम के पैनल है, आपको इन्हें ऑन करना है। इसके बाद आप देखोगे साइड पैनल, मतलब जो एज पैनल है यहां पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है वो कहां पे है, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर के सामने। तो जैसे मैं स्वाइप करूंगा यहां पे, आप देख सकते हो एज पैनल यहां पे शो करेगा। इस तरीके से आप अलग अलग पैनल का यूज कर सकते हो। यहां पे कोई भी आपको लाइन शो नहीं करेगी, फिर भी आप उसका यूज कर सकते हो एज पैनल का। दोस्तों अगर आप उनमें से हो जो अपने फोन को ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं 6-7 घंटे के लिए, तो इतनी चार्जिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हो आपका फोन जो है कुछ लिमिट तक चार्ज हो, उसके ऊपर चार्ज ना हो, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। 85% तक आपका फोन चार्ज होगा, उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी एंड डिवाइस केयर में। बैटरी में आपको जाना है मोर बैटरी सेटिंग्स में, आपको मिलेगा ऑप्शन प्रोटेक्ट बैटरी का। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपका फोन हमेशा 85% तक ही चार्ज होगा, उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, ताकि आपका जो फोन है ओवर चार्ज ना हो और आपके फोन में जो बैटरी हेल्थ है वो लंबे समय तक अच्छी रहे। दोस्तों सैमसंग के फोन में एक सेटिंग को बाय डिफॉल्ट इनेबल किया जाता है। जैसे कि मान लो आप गेमिंग कर रहे हो और ऐसे में आपका फोन अगर हीटअप होता है तो गेमिंग काफी खराब हो जाती है, FPS ड्रॉप हो जाते हैं, फ्रेम रेट काफी कम हो जाते हैं और आपको गेमिंग में लैग फील होता है। अगर आप चाहते हो आपका फोन अगर हीटअप हो फिर भी आपको लैग फील ना हो गेमिंग के दौरान, FPS आपको मैक्सिमम मिले हीटिंग होने के बाद भी, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके लिए आपको गेम लॉन्चर को ओपन करना है। ये रहा गेम लॉन्चर, इसे ओपन कीजिए, 3 बार पे टैप कीजिए, जाइए गेम बूस्टर में, आपको मिलेगा लैब्स का ये ऑप्शन, आपको इसे ओपन करना है और आपको इसे ऑन करना है। अल्टरनेट गेम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगर आप इसे ऑन करोगे आपका फोन अगर हीटअप भी होगा फिर भी आपके गेमिंग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपके फोन में मिलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट, मतलब कि आपका फोन काफी स्मूथली वर्क करेगा, UI में आपको लैग फील नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपको अपने फोन को और ज्यादा फास्टर करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में, जो बिल नंबर है आपको उस पर लगातार 7 बार टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आपको अपना पिन एंटर करना है और फिर बैक आना है। सेटिंग्स में आपको नीचे मिलेगा नया ऑप्शन डेवलपर ऑप्शंस, आपको इसे ओपन करना है और फिर नीचे आइए, आपको मिलेगा ऑप्शन एनिमेशन का, ये रहा विंडो एनिमेशन स्केल, आपको इस पर टैप करना है 0.5x पे सेट, इसे भी करना है 0.5x पे सेट और इसे भी करना है 0.5x पे सेट, तीनों को करिए 0.5x पे सेट। इसके बाद आप देखोगे आपको लगेगा कि आपका फोन जो है पहले से काफी फास्ट हो चुका है, एप्स ओपनिंग और जो सेटिंग्स ओपनिंग है वो काफी फास्टर हो जाएगी, आप सभी एप्स को और सेटिंग्स को या मेनू को जल्दी से ओपन कर पाओगे। तो ये होता है कमाल इसे ऑन करने का, आपका फोन और ज्यादा फास्टर हो जाएगा। दोस्तों सैमसंग के वन UI की एक खास बात यह है कि आप मल्टीटास्किंग काफी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, किसी भी ऐप को पॉपअप व्यू और स्प्लिट व्यू में ओपन कर सकते हो। लेकिन कई सारे एप्स ऐसे होते हैं जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि आप देख सकते हो यह है इंस्टाग्राम, मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करता है, यहां पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। हालांकि यहां पे ऑप्शन शो करेंगे इस तरीके से पॉपअप व्यू और स्प्लिट व्यू, लेकिन यहां पे ऐसे ऑप्शन शो नहीं कर रहे। तो अगर आप चाहते हो सभी एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट करें तो आप सभी एप्स के लिए मल्टी विंडो को इनेबल कर सकते हो। जो एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते वो भी एप्स आप मल्टी विंडो में ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर में, आपको मिलेगा लैब्स का ये ऑप्शन, आपको इसे ओपन करना है और ये जो पहला ऑप्शन है मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप देखोगे जो भी एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते थे पहले वो भी आप सपोर्ट करने लगेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंस्टाग्राम पहले 2 ही ऑप्शन थे, लेकिन अब आप इसे पॉपअप व्यू और स्प्लिट व्यू में भी ओपन कर सकते हो। सैमसंग पे इसमें भी पहले 2 ही ऑप्शन थे, लेकिन अब आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस। दोस्तों ये थी वो 15 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी है आपके सैमसंग गैलेक्सी M33 5G में, जैसे ही आप अपने फोन को सेटअप करते हो पहली बार। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।